बढ़ता जा रहा है कोरोना वायरस का खतरा। पहले फेफड़े, फिर दिल और अब दिमाग तक बना ली है पहुंच। कोरोना वायरस फेफड़ों को किस तरह से खराब कर देता है, इस बात से तो आप वाकिफ होंगे ही। हाल ही में एक्सपर्ट्स ने ये भी बताया था कि ये दिल को भी नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये धीरे धीरे शरीर के दूसरे हिस्सों को भी बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। दुनिया भर के लगभग 300 रिसर्च में ये बात सामने आई है कि कोरोना दिमाग पर बुरा असर डाल रहा है, जिसकी वजह से लोग कई तरह के मेंटल डिसऑर्डर्स को फेस कर रहे हैं। लंदन के वैज्ञानिकों के मुताबिक कोरोना वायरस का असर नर्वस सिस्टम पर भी पड़ता है, जिसकी वजह से दिमाग काम करना कम कर देता है। दिमाग की नसें सूज जाती है और संक्रमित इंसान हेलुसिनेशन करने लगता है, वो फिजूल की बातें करने लगता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि कोरोना संक्रमित मरीजों को होने वाली ये सूजन दुर्लभ है। इस सूजन को मेडिकल टर्म में एक्यूट डिसेमिनेटेड इंसेफेलोमाइलिटिस कहते हैं। ज्यादातर युवाओं और बच्चों में इसे देखा गया है। पिछले एक सप्ताह में ऐसे लोगों की संख्या में बहुत तेजी से इजाफा हुआ है। ब्रेन नाम के एक जर्नल में छिपी यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन की रिसर्च के बाद ये बात जग जाहिर हो गई है। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन के न्यूरोलॉजी विभाग के माइकल जेडी की माने तो जब दुनिया भर में कोई भी महामारी बड़े पैमाने पर फैलती है तो उसका असर इंसान के दिमाग पर भी पड़ता है। 1920 और 1930 में फैले इन्फ्लुएंजा फ्लू के वक्त भी इसी तरह का असर देखा गया था। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के कई मामलों में यह भी देखा जा रहा है कि मरीज डेलिरियम नाम के न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति की दिमागी क्षमताओं में गंभीर गड़बड़ी हो जाती है, जिसके बाद व्यक्ति कुछ बातों को लेकर कंफ्यूज रहता है और अपने आसपास के माहौल के बारे में उतना अवेयर नहीं रह पाता। वैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि कोरोना से संक्रमित व्यक्ति को अगर ये लगता है कि दिमाग पर पड़ने वाला ये असर कुछ ही दिनों तक रहेगा तो ये सोचना गलत होगा। भले ही लोग रिकवर हो जाएं, लेकिन उसके बाद भी उनके दिमाग पर कोरोना का असर लंबे समय तक बना रह सकता है। दुनिया भर में कई ऐसे केस सामने आ रहे हैं जिसमें लोग कोरोना से रिकवर होने के बाद डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं और उसका ट्रीटमेंट ले रहे हैं। कनाडा की वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के न्यूरोसाइंटिस्ट एड्रिन ओवेन के मुताबिक इस समय सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि कोरोना वायरस से लाखों लोग पीड़ित हैं और ये आंकड़ा करोड़ों तक पहुंच सकता है। ये लोग इस बीमारी से रिकवर हो भी जाएं, तब भी उनके शरीर में कई बीमारियां घर बना लेंगी, उनमें से ये दिमागी समस्याएं भी शामिल होंगी। इस तरह उनके खुशहाल जीवन पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। जहां एक और कोरोना के इस दौर से निकलने के लिए दुनिया भर के लोग आस लगाए बैठे हैं, वहीं दूसरी ओर ऐसे दावे इस बात की काफी आशंका जताते हैं कि इस बीमारी के खत्म हो जाने के बाद भी इसके दुष्परिणाम मानव सभ्यता को लंबे समय तक झेलने पड़ सकते हैं।